हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज दही मछली कड़ी बनाती हूँ, कैसे बनता है देखते हैं। यहाँ पे मैंने 8 पीस मछली लिया है, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला लेती हूँ। देखिए मिल चुका है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेती हूँ। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए पहले से रख दिया था। देखिए तेल गरम हो चुका है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। एक बार में जितना लगे उतना ही दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा। मैं यहाँ पे 4 पीस दे रही हूँ। देखिए इसको ज़्यादा फ्राई मत नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है, इसे मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं सब मछली को फ्राई कर लूँगी। देखिए इसमें थोड़ा सा तेल बचा था, उसी तेल में इसमें 4 इलायची, 4 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी, 2 लाल मिर्च, 1 तेज़पात को दे रही हूँ, आधा चम्मच गोटा जीरा। फ़ौरन में राख चटक गया है। चलिए इसमें 1 प्याज को मैंने ग्राइंड करके रखा था, उसे मैं डाल रही हूँ। इसे हल्का भून लेती हूँ, हल्का भुना हो गया है। चलिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाल रही हूँ, इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। चलिए अब मसाला गवाड़ी, मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और कलर के लिए थोड़ा सा आप 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सबको मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। 2 से 3 मिनट तक मसाला को भून लेती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। 1 चम्मच में चीनी डाल रही हूँ। एक कप करीब मैंने दही लिया है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, हल्का है, क्योंकि कड़ी में तो खट्टा थोड़ा रहना ज़रूरी है, तभी तो अच्छा लगेगा। देखिए मसाला मेरा भुन चुका है, मसाला ने तेल छोड़ दिया। अब पानी अपने हिसाब से दीजिएगा, मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी दे रही हूँ। इसे एक उबाल आने तक इसे पका लेती हूँ। देखिए यहाँ पे उबाल आ चुका है, अब इसमें मछली को दे रही हूँ। मछली देने के बाद 5 मिनट तक इसको हमें ढककर पका लेना है। दो हरी मिर्च डाल रही हूँ। पाँच मिनट हो चुका है, बीच 5 मिनट में बीच में हिलाते रहिएगा। देखिए मछली मेरा बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे तड़का लगा देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी ली हूँ, इसे गरम हल्का कर लेती हूँ। इसमें 4 से 5 काजू का टुकड़ा, इसे हल्का भूनना है, इसे भून लेती हूँ इसी में। और 7 से 8 इसमें किशमिश डालूँगी, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है। देखिए ये भून चुका है, इसमें किशमिश डाल रही हूँ, इसको भी हल्का भून लेती हूँ। देखिए ये मेरा तड़का हो गया। चलिए ऊपर से मैं इसे डाल देती हूँ। 5 मिनट के लिए इसे मैं ढक कर रख देती हूँ, जिससे स्वाद इसका और भी बढ़ जाए। 5 मिनट के बाद इसे सर्व कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।